जय श्री महाकाल दोस्त। ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 15 से 20 वर्षों के अंदर चीन ने विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि चीन ने अपनी संस्कृति का फैलाव भी अर्थव्यवस्था के माध्यम से विश्व के कोने कोने में करने की कोशिश की थी, जिसमें से कि भारतीय संस्कृति पर भी उसने एक घातक हमला किया है और उस घातक हमले का नाम है फेंगशुई। जी हाँ दोस्तों, फेंगशुई के माध्यम से चीन ने कई देशों पर अपनी संस्कृति को थोपा है और अपनी संस्कृति को बढ़ा चढ़ाकर बताया है और दूसरे देशों की जो संस्कृति है उसका लोप किया है, उसका हनन किया है। लेकिन जो संस्कृति उन्नत होती है वो स्वयं विकसित हो जाती है और हमारी जो संस्कृति है, जिसको हम वैदिक सभ्यता बोलते हैं, जिसको आर्य सभ्यता बोलते हैं, वो चीन की सभ्यता से काफ़ी आगे है और हमको चीन के किसी भी प्रकार के फेंगशुई की या किसी भी प्रकार के वास्तु परामर्श की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की संस्कृति के पास ही, हमारी वैदिक ज्योतिष के पास ही ऐसे कई प्रकार के उदाहरण हैं कि हम उनके माध्यम से अपने वास्तु को सही कर सकते हैं और भाग्य को और अधिक उन्नत बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि चीन ने किस प्रकार से एक प्रकार का षड्यंत्र रचा और अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसके माध्यम से अपनी वस्तुओं कैसे संपूर्ण विश्व में फैलाया। लेकिन भारत के अंदर उसने भले ही फैला दिया हो, लेकिन भारत के अंदर जो उसकी खुद की जो संस्कृति है वो उसको मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, तो वो कैसे दे सकती है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि चीन ने फेंगशुई के नाम से कई प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिए हैं। हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर आपको चीन के फेंगशुई से जुड़े कई प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में दिख जाएंगे। तो हम एक एक करके उन प्रोडक्ट की बात करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से हमारी संस्कृति से फंडामेंटल थ्योरी हमारी संस्कृति से ली और हमारी ही संस्कृति का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ करा और अपनी संस्कृति की घुसपैठ यहाँ पर कर दी। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है लाफिंग बुद्धा की बात। हम लाफिंग बुद्धा की बात करेंगे यहाँ पे। आपने लाफिंग बुद्धा देखा होगा, जिसकी पीठ के ऊपर एक झूला बना हुआ रहता है और उसमें सिक्के रखे हुए रहते हैं और लाफिंग बुद्धा हमेशा हंसता हुआ रहता है। इसमें भी आप एक मजेदार बात ये देखिए कि लाफिंग बुद्धा भी कई टाइप के आते हैं, कई कलर के आते हैं, बैठे हुए आते हैं, दो झोले वाले आते हैं, छोटे आते हैं, बड़े आते हैं। तो इस प्रकार से एक लाफिंग बुद्धा उन्होंने मार्केट में उतारा था। काफ़ी पुरानी बात है, 15 से 20 साल पुरानी बात है। तो लाफिंग बुद्धा अब हिंदुस्तानी सभ्यता के अंदर उनको घुसपैठ करना था, तो उन्होंने क्या करा कि लाफिंग बुद्धा को उन्होंने कुबेर देव का नाम दे दिया कि लाफिंग बुद्धा नहीं है, कुबेर देव है। अब कुबेर देव को तो किसी ने देखा नहीं। हमारे कुबेर देव जो हैं वो यक्षराज कहलाते हैं, यक्षों के और गंधर्वों के देवता भी कुबेर देव कहे जाते हैं, तो उनको तो किसी ने देखा नहीं। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने लाफिंग बुद्धा को कुबेर देव का नाम देना चालू कर दिया और कि ये कुबेर देव हैं, इनके पूजा करेंगे तो धन की बरसात होगी। तो कितने ही लोगों ने अपने घरों में कुबेर देवताओं की मूर्ति समझ के लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रख ली और एक प्रकार से यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी उनको मिल जाता है कि अगर इनकी हंसती हुई, अगर हम किसी की फोटो देखते हैं अगर या फिर मूर्ति देखते हैं जिससे घर में जाते हैं, और अगर किसी की मुस्कुराती फोटो देखते हैं तो हमारे इसमें सकारात्मकता का संचार होता है, ऐसा भी कुछ उन्होंने बताया है। तो दोस्तों, ये पूर्ण तरीके से बकवास बात है। लाफिंग बुद्धा अगर हम घर में रखते हैं ये नहीं रखते हैं तो इसका पैसे से कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर आपको कुछ रखना ही है तो आप हमारे वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई लड्डू गोपाल की एक फ़ोटो रख लीजिए जो सदा मुस्कुराती हुई रहती है, या फिर लड्डू गोपाल की मूर्ति रख लीजिए, हमारे कृष्ण जी से जुड़ी हुई मूर्ति है। अगर आप लड्डू गोपाल की मूर्ति रखेंगे तो आप यकीन जानिए कि जहाँ पर भी लड्डू गोपाल की मूर्ति होती है या फोटो होती है तो वहाँ पर दूध घी की नदियाँ बहती है, मतलब कि
वहाँ पर धन की कभी भी कमी नहीं होती। आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में जब कृष्ण जी का समय था, उस समय में जिसके पास अधिक से अधिक गाय होती थी उसको उतना ही अधिक धनवान समझा जाता था। इसी प्रकार से अगर हम वर्तमान में देखेंगे तो अगर आप लड्डू गोपाल की फोटो लगाएंगे या फिर उनकी मूर्ति रखेंगे तो आपको धन से संबंधित कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो धन है वो कृष्ण जी द्वारा प्रदत्त माना जाता है। और जहाँ पर भी लड्डू गोपाल की फोटो लगती है वहाँ पर भी कभी भी धन की कमी नहीं आती है। तो आप लाफिंग बुद्धा को लगाने से अच्छा है कि लड्डू गोपाल की फोटो लगाइए, तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। और आप अगर घर में जाएंगे और लड्डू गोपाल की हंसती हुई फोटो अगर देखेंगे तो आपको और अधिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। दोस्तों अब हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक लाल कलर का रिबन होता है और उसमें दो तांबे के छल्ले होते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि आप अपने घर के जो मुख्य द्वार है उसका जो हैंडल है बाहर की तरफ जो होता है उसमें आप वो लाल कलर का रिबन बांध दीजिए तो बुरी आत्माओं से आपकी रक्षा होगी। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे बुरी आत्मा अच्छी आत्माओं की थ्योरी इतना काम नहीं करती है। ये सिर्फ इस बात पे लागू होता है कि जैसे अगर आप तांबे को अगर अपने मुख्य द्वार पे बांधते हैं तो वो राहु के और केतु के बुरे प्रभावों को नष्ट कर देता है और बुरी चीज़ों को, नकारात्मकता को घर में आने से रोकता है। तो ये उसकी फंडामेंटल थ्योरी है। अब इसकी जगह पर आप अगर वैदिक ज्योतिष के अनुसार चलेंगे और कौड़ियों वाली वंदरवाल अगर आप अपने घर के ऊपर लगा देंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि कौड़ियों वाली जो वंदरवाल होती है वो राहु के केतु के दोषों को तो दूर करती ही, इसके साथ ही वो लक्ष्मी जी के आगमन को भी निश्चित करती है और विष्णु जी की कृपा भी बताती है। अगर आपने कौड़ियों वाली वंदरवाल लगा दी है तो विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। तो लाल रंग के धागे के साथ में अगर आप तांबे का छल्ला बांध रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप कौड़ियों वाली वंदरवाल लगाएं। दोस्तों तीसरा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, फेंशुई के अंतर्गत आता है, वाइन चेम जिसको बोलते हैं, जिसमें कि घंटियाँ बंधी हुई रहती है और एक धातु की कटोरी रहती है उसके आसपास घंटियाँ लगी हुई रहती है और जैसे हवा चलती है वैसे ही वो धातु की कटोरियों से वो वाइन चेम टकराती है और टकराने के बाद में एक प्रकार की ध्वनि निकालती है और कहा जाता है कि उससे भी नकारात्मकता समाप्त तो हो जाती है और घर में सदैव खुशहाली रहती है। तो दोस्तों इससे अच्छा है कि आप सुबह शाम मंदिर में अपने घर का जो मंदिर है उसमें पूजा अर्चना कीजिए और घंटियां बजाइए, ये इसका सबसे अच्छा उपाय है। वाइन चेम लगाने से अच्छा आप थोड़ा सा समय स्वयं के लिए और भगवान के लिए निकालिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए और घंटियां बजाइए, तो घंटियों से उससे अच्छी आवाजें निकलेंगी और जो सकारात्मकता है वो उससे अच्छी तरह से फैलेगी। तो वाइन चेम बजाने से अच्छा है कि आप घंटियां बजाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा प्राप्त होगा, ऊपर से भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। वाइन चेम बजाने से किसी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी लेकिन घंटियां बजाने से जरूर प्राप्त हो जाएगी, इसलिए आप घंटियां जरूर बजाइए। इसके साथ ही यदि आप शंख की अगर ध्वनि अगर घर में रोज बजती है, कोई शंख बजाता है, तो उससे भी काफ़ी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, कई प्रकार के रोग भी दूर हो जाते हैं। तो आप वाइन चेम से अच्छा है कि घंटियां बजाएं। दोस्तों फेंशुई का एक और आइटम मैं आपको बताता हूँ जिसको कि कछुआ बोलते हैं, और वो क्या करते हैं कि एक नकली कछुआ बना देते हैं और उस नकली कछुए का ये बताते हैं कि उसको हमेशा पानी में रखेंगे तो घर में हमेशा बरकत रहेगी। तो दोस्तों कछुआ, ये बात सच है कि कछुआ जो है वो विष्णु जी का प्रतीक होता है और अगर घर में हम उसको रखते हैं तो उससे विष्णु जी की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। लेकिन ये सारी बातें उन्होंने हमारी एस्ट्रोलॉजी से ही ली है, हमारे वैदिक ज्ञान से ही उन्होंने प्राप्त करी है, और वो हम ही को हमारा प्रोडक्ट बेच देते हैं और हम खरीद भी लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि कितनी अच्छी बात है, फेंशुई ने हमारा भाग्य परिवर्तन कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी फंडामेंटल थ्योरी हमसे ही उधार ली गई है। तो अगर आप कछुआ भी अगर खरीदते हैं तो आप इससे अच्छा है कि आप विष्णु जी की और लक्ष्मी जी फोटो खरीद लीजिए या फिर उसकी जगह पर उनकी कोई सी मूर्ति खरीद लीजिए, और अगर उनकी अगर आप सेवा करें और उनके अगर आप रोज पूजा अर्चना करें तो आप कछुए से ज़्यादा प्रभावशाली उसका असर रहता है और धन संबंधित या फिर परिवार में जो भी दिक्कत आ रही है, परिवार संबंधित स्वास्थ्य संबंधित कोई सी भी दिक्कत चल रही है,
आप वो सारी दिक्कत बिल्कुल निश्चित जानिए कि बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो एक कछुआ खरीदने से अच्छा है या फिर कछुए का प्रतीक खरीदने से अच्छा है कि आप लक्ष्मी जी की या विष्णु जी की फोटो खरीद लीजिए, मूर्ति खरीद लीजिए या फिर स्फटिक का यंत्र खरीद लीजिए। और अगर ये भी नहीं खरीद सकते हैं तो आप तो फिर एक नर्मदेश्वर शिवलिंग खरीद लीजिए, आप उसकी पूजा अर्चना कीजिए। आप निश्चित जानिए आपके घर के ऊपर कोई सी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक कछुए से काफी अच्छा प्रभाव इन सारी चीजों का मिलता है। दोस्तों अब मैं आपको एक और उनके प्रोडक्ट की बात बताता हूँ जो उन्होंने काफी बेचा है और जिसका काफी इस्तेमाल किया है और अभी भी बेच रहे हैं। उसका नाम है गोल्ड फिश। दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपने घर में गोल्ड फिश रखी है तो कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। और गोल्ड फिश का सिस्टम मैं बताता हूँ दोस्तों। गोल्ड फिश जो है वो एक चीनी और जापानी मछली कही जाती है, खासतौर से चीन में ज़्यादा पाई जाती है और वहीं की वो वहीं का प्रोडक्ट है, वहीं की वेराइटी है वो। तो चीन के पानी में ज़्यादातर वो रहती है, इसके अलावा वो दूसरे देशों के पानी में इतनी जीवित नहीं रह पाती। आपने देखा होगा अगर आपने गोल्ड फिश पाली होगी तो आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहती है, या तो आप जैसे उसका पानी बदलते हैं वैसे ही वो मर जाती है, या फिर वो ज़्यादा ज़्यादा 1 साल तक या 1.5 साल तक ही जिंदा रहती है। इसके अलावा बहुत कम ये देखने को आता है कि जो गोल्ड फिश की जो पूरी उम्र है 7 या 8 साल मानते हैं, वो पूरी उम्र तक अगर एक जगह रह जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। काफ़ी कम जगह पर ऐसा देखा जाता है। गोल्ड फिश अधिकतर मर जाती है और चीनी लोग ये जानते हैं कि गोल्ड फिश बहुत नाजुक मछली है, उसका जो सिस्टम है वो इतना पावरफुल नहीं है, इस कारण से वो जल्दी मर जाएगी और जितनी जल्दी वो मरेगी उतनी जल्दी ही वो दूसरा उनका ऑर्डर तैयार हो जाता है। और दूसरा ऑर्डर जैसे ही तैयार हो जाता है उनको तो बस पैसे कमाने से मतलब है। जितनी जल्दी गोल्ड फिश मरेगी, जितनी ज़्यादा तादाद में मरेगी, जितनी जल्दी मरेगी उतना अच्छा उनका बिजनेस चलेगा। तो उन्होंने गोल्ड फिश के नाम पर भी उन्होंने काफ़ी यहाँ पर मार्केटिंग की और काफ़ी पैसा कमाया है। तो दोस्तों एक्वेरियम रखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में एक्वेरियम रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप कोई सी भी मछली डाल सकते हैं, गोल्ड फिश डालना ज़रूरी नहीं है। गोल्ड फिश के अलावा भी बहुत सारी वेराइटियाँ आती है और काफ़ी अच्छी और खूबसूरत मछलियाँ आप उसमें डालिए। तो सिर्फ गोल्ड फिश डालने से ही पैसे की बरकत होगी ऐसा नहीं होता, आप किसी प्रकार की मछली को डालेंगे। मछली को भी विष्णु जी का अवतार कहा जाता है, कछुए को भी विष्णु जी का अवतार कहा जाता है। तो आप अगर मछलियाँ पालेंगे तो आपको वही फायदा देखने को मिलेगा जो गोल्ड फिश डालने से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें होती है ये सारी चीज़ें उन्होंने हमसे ही ली है और हमें को उसका रूप बदल के और हमको ही बेचा और करोड़ों रुपयों का यहाँ से प्रॉफिट किया है। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि हम ये जाने कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी ही चीज़ें हैं और हमको ही बेचे जा रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि हम इसका बहिष्कार करें और अपने वैदिक ज्योतिष पर, हमारी जो वैदिक सभ्यता है, हमारी जो आर्य सभ्यता है, हम उस पर विश्वास करें और उसके द्वारा जो उसकी जो तकनीक विकसित की गई है उसी का आश्रय लेते हुए हमारे जीवन को सुखी बनाएं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।